तो दोस्तों इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से आदमी यहाँ पर मेहनत करता है गल्फ में, तो बिल्कुल रात में जो है किस तरह से काम करता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी पूरी बातें समझ में आएंगी आपको। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त जो है दुबई में खड़े हैं हम लोग, और ये डू की ऑफिस है, और यहीं पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता है सिस्टम। 199 दिरहम सिम का कार्ड है, अभी मैं इनकी ऑफिस में ले जाऊंगा। ये हमारे भाई हैं, उमल क्वीन में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो इधर आ जाइए, रोशनी में आ जाइए। ये हमारे इनके ऊँट बहुत पाला हुआ है, इनके जो है कितने ऊँट होंगे आपके पास? 70 ऊँट है, उनको उमल क्वीन से लिए। ये हमारे भाई साहब हैं, ये ड्राइवर डू में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है। हारून भाई हैं। तो हारून भाई ने हमें पिकअप किया अजमान से और लाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसके बाद अभी हमें रात में पहुँचते पहुँचते 10-11 बज जाएगा, अभी दोबारा छोड़ेगा। तो वापस तो मेरा तो 12 बज जाएगा। खाना कब खाएगा? खाना तो 1 बजे का है। अच्छा, खाना 1 बजे खाएगा। तो इनका ड्यूटी के टाइम में हारून भाई अपना मेहनत करते रहते हैं। चलिए हारून भाई, गाड़ी में बात करते हैं हम लोग। थोड़ा अपने डिटेल बताइएगा, कैसे आप जो है, आप भी थोड़ा बताइए कैसे यहाँ पे कैसे आओ। अच्छा, वहाँ पे मजरे में बताएंगे, मजरे में तो आएगा ना, तो पूरा स्टोरी बताएंगे। अच्छा ठीक। तो दोस्तों मैं इस वक्त जा रहा हूँ दुबई भाई के साथ, और ये डू की कंपनी से हैं, और वहीं पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर डू का राउटर मुझको देंगे। तो चलिए, तो अभी मैं आपको इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराता हूँ। कितना जीबी है तुम्हारा? वीडियो आ रहा है। पठान भाई हो? नहीं, सरेखी भाई है। आप सरेखी भाई? ये मेरा सरेखी भाई है। अभी इसका ऊँट बहुत है, दिन में कभी दिखाएगा इंशाल्लाह, जाएगा तो अपने सरेखी भाई का ऊँट दिखाएगा। रनिंग वाला सब ऊँट है, रनिंग वाला है ना? रेस वाला। अच्छा, रेस वाला सारा ऊँट है। अभी हम लोग बैठ कर जा रहे हैं वाईफाई लगवाने भाई के साथ। ये हमारे भाई हैं, ये जॉब करते हैं डू में। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है। हारून भाई? तो हारून भाई आप गाड़ी चलाइए, पीछे से बताते रहिए। अभी मैं वहाँ पर चल कर हम लोग इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा बहुत बता दीजिएगा क्या क्या प्रोसेस होता है। और ये हमारे भाई को उठाया है उमल क्वीन से। आपका क्या नाम है भाई? फैसल। फैसल भाई, फैसल भाई पाकिस्तान से किस जगह से हैं? हम अलीपुर चुताई से है भाई। अलीपुर चुताई से? तो किस जगह ये पड़ता है, कौन से स्टेट में, सूबा कौन सा रहता है? पंजाब। ये पंजाब सूबे से हैं। आप किस जगह से हैं? मैं पिशावर से हूँ। पिशावर से हैं? हम लोग एजेंसी से हैं, खैबर एजेंसी। खैबर एजेंसी से हैं। अभी देखो मेरे भाई लोग जा रहे हैं, हम लोग तीनों लोग जो है, दो कस्टमर इनके हैं। अभी हम लोग इतिसलात का जो है राउटर लेने जा रहे हैं। डू का है? अच्छा डू का, सॉरी डू का जो है 199 वाला राउटर लेने जा रहे हैं। अभी वहाँ पे फिंगर वगैरह लगेगा और उसके बाद हमें राउटर मिल जाएगा। अभी हम आगे चलेंगे, आप रोड का व्यू देखिए। अभी नाइट ड्राइव कर रहे हैं हमारे भाई, तो मैं इनसे पूरा इंटरव्यू लूंगा। अभी रात के इस वक्त 8 बज गए हैं, पहुँचते पहुँचते आपके क्या बज जाएगा ऊँट वाले भाई? हमारा तो 10 बज जाएगा, 2 बजे ड्यूटी है यार। अच्छा 2 बजे से ड्यूटी है? तुम ऊँट में काम करता है तो रात को 2 बजे कौन ड्यूटी होता है? ऊँट का वर्जिश होता है ना। अच्छा, ओहो, रात को 2 बजे हमारा भाई वर्जिश कराएगा। कैसे वर्जिश कराते हैं? उसको वह घुमाते हैं, फिराते हैं, उसके ऊपर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाता है, उसके ऊपर बिठा कर मशीन मारने वाला, फिर भगाते। दिन में आएगा ना तुमको दिखाएगा। अच्छा अच्छा, दिन में आएगा तो दिखाएगा। वादा पक्का? पक्का पक्का वादा, बस तुम पहुँचो फिर लाने पर दिखाएगा। चलो, मेरा भाई ने वादा किया, पूरा ऊँट का डिटेल बताएगा, कैसे रनिंग लेते हैं, कैसे दौड़ते हैं। बताओ, रात के 2 बजे ये वर्जिश कराता है, कोई सोचेगा? 1 बजे 12 बजे गर्मी में 12 बजे। फिर कितने बजे तक कराएगा? बस दिन में 10-11 बजे तक। अच्छा, दिन में 10-11 बजे तक वो वर्जिश कराएंगे रनिंग के? नहीं, वर्जिश 1-2 घंटा कराता है, फिर 10-11 बजे तक हम लोग काम खराब। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डू की ऑफिस में। तो यहाँ पे दुबई के अंदर है ऑफिस, तो मुझे अजमान से उठाया जो कि 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है, और एक बंदे को उठाया है जो कि 70-80 किलोमीटर दूर है। तो ये भाई साहब के ऊँट वगैरह पाला हुआ है, और ये ऊँटों रेसिंग वाले ऊँट जो होते हैं यहाँ पर, उसका जो है रनिंग वगैरह कराते हैं, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। तो इनकी बहुत लंबी कहानी है, ये बुलाए मुझको अपने घर पर, कहें आओ वहाँ पर वीडियो बनाते हैं। अपना आईडी दिया हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी वो रजिस्टर कर रहे हैं। तो 199 का पैकेज है, तो अभी देखते हैं कैसे उनका वाईफाई होता है। अभी बंद कर दो बस, अभी तो अभी मैं जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका मेरा। अभी ये डू की तरफ से बॉक्स मिला है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं।
वो भी हम दिखाते हैं। बहुत दूर से आए, रात की जो है इस वक्त कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। तो ये डूब का राउटर है और इसमें सिम लगती है। और नजदीक लेते आइए, इधर ले, अभी मैं दिखाऊंगा। अब ये भी इसको फोकस कर लूंगा। अंदर क्या क्या है? ये सिम कार्ड है। अभी एक राउटर है और ये उसका चार्जर, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होगा वायर इलेक्ट्रिक से। और ये एक सिंगल वायर है। ये कहाँ पे लगेगा? ये केबल है, केबल में लगेगा पीछे। केबल है तो ये इसके सिम लगेगी इसमें। ये लग गई सिम, अभी वहीं जाके एक्टिवेट हो जाएगा। हैं हाँ, जहाँ पे लगाएंगे वहाँ के एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा दोस्त है, अब जा रहा है, वाईफाई का राउटर मिल गया। वाईफाई राउटर दिखा दो, इधर राउटर दिखा दो, कितना खुश है देखो, वाईफाई का राउटर मिल गया है। अभी 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 नेट चला के पूरा दबा कर एकदम चलाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो दोस्तों अब हम रिटर्न जा रहे हैं और पहले अपने भाई को छोड़ेंगे जो रेगिस्तान में ऊँट पाले हुए हैं। तो पहले उनको दूर उनका घर है, तो उनको पहले छोड़कर फिर ये हमें छोड़ेंगे। अच्छा अभी कुछ तो। हाय दोस्तों, ये देखिए मेरे दोस्त लोग हैं, अभी दोस्ती हो गए, हम लोग दुबई से आ रहे हैं, अभी इनको पहुँचाने जाएंगे। तो भाई ये हमारे ऊँट पाले हुए, मुझसे वो क्या वादा किया आप बताइए। आएगा तुमको रेस वाला ऊँट भी दिखाएगा, तुमको ऊँट के ऊपर भी बैठा, ऊँट के ऊपर भी बैठाएगा, ऊँट का रेस भी दिखाएगा और पूरा बात बताएगा ना। और खाना नहीं खिलाएगा? खाना भी खिलाएगा, तुमको दावत देगा बड़ा इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह पहले लेकिन हम फोन करेगा। हाँ फोन करके आना, फिर रास्ता भी बताने का। सीधा फोन नहीं करके आएगा ना। हाँ फिर बाबा ऊँट गुसल करवाना पड़ेगा, बात ऐसी। अच्छा ऊँट गुसल करवाएगा, मेरा दोस्त है, देखते हैं अभी ये नेट पे वीडियो जाएगा। और ये हमारे भाई हैं, ये क्या नाम आपका भाई है? मेरा नाम हारून, हारून भाई है। ये गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर इसी से, उसमें डूग में, डूग की कंपनी में काम करते हैं। जो कस्टमर जो है वहाँ पे, जैसे मुझको मुझसे बात हुई दूसरे से, ये बोले कि मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। तो हारून भाई आए थे, हारून भाई भी डूग का काम करते हैं, वो बोले कि मैं भी जो है यही काम करता हूँ, जो सिम लगाते हैं यहाँ पर, राउटर देते हैं। तो हारून भाई क्या प्राइस रहता है इंटरनेट का यहाँ पर? इंटरनेट का ये 199 का पैकेज है। अच्छा अच्छा 199 महीने का, 208 दरम दिलाता है। अच्छा वो टैक्स लेकर? हाँ टैक्स के साथ 199 पैकेज है, 5% टैक्स आता है। अच्छा 5% टैक्स, टोटल बिल 208 दरम आता है। 208, हाँ एक साल का एग्रीमेंट है इसका। अच्छा एक साल का एग्रीमेंट होगा। और इमारत आईडी पर? इमारत सिर्फ इमारत आईडी चाहिए। अच्छा सिर्फ इमारत आईडी, ऑफिस लेके जाएगा वहाँ पर छोड़ेगा इसको, पिक एंड ड्रॉप, तुरंत पिकअप एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, और यानी अभी मुझको कितना, कम से कम 50 किलोमीटर इसके दूर तो होगा, 50 किलोमीटर? हाँ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से लेकर गए, एक घंटा लगा जाने में और एक घंटा लगा आने में। ये पिक एंड ड्रॉप। और मेरा भाई भी देखो पीछे बैठा, ये ऊँट वाले में लगाएगा, ऊँट को इंटरनेट से जो है क्या करेगा, रेस देखेगा, फिर देखेगा कौन सा हमारा सबूत है नहीं। और ये वाईफाई तकरीबन 10 से 12 आदमी चला सकते हैं। अच्छा 10 से 12 आदमी चला सकते हैं। अच्छा बहुत अच्छा है। अभी तो हम टेस्ट करेगा इसको, पूरा अनबॉक्सिंग किया, ये देखो मेरा भाई दिखा रहा है। तो अभी हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ही देर में राइट है भाई। अभी हम लोग चल रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। अपने भाई को मैं कह रहा है मुझको जूस पीना है, तो इसको जूस पिलाऊंगा। और ये भाई हमारे हैं, हम पठान लोग तो चाय पी, हम लोग चाय पीते हैं भैया, हम भी चाय वाले हैं। तो चलिए, और राउटर के बारे में सब चीज़ें हो गई, मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा नीचे, आप भी राइट। तो राय जो है अपना, जिसको लगवाना हो मेरे भाई संपर्क करिएगा, इंशाल्लाह जो है इनका भी कुछ फ़ायदा हो।
तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी जो है भाई लोगों का इंटरव्यू लिया, किस तरह से वो लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जब आदमी एक दूसरे से मिलता है। तो मैंने जो है इनसे पूछा तो ये बताया कि मैं पहले वर्कर में काम करता था, लेबर में, तो घरों में जो ईंटा वगैरह का काम होता है। तो फिर उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फिर कैसे लाइसेंस निकाला। अभी हम जा रहे हैं भाई को पहुंचाने, और ये भाई ऊँट का काम करते हैं। अभी इनकी रात में 2 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होगी, और ये देखिए उनका एरिया है, और यहाँ पे जो है पुलिस से जो कैप्चर करी जाती है कारें, तो वो कारें यहाँ पर ला कर रेगिस्तान में रखे हुए हैं। तो चलिए, ये इनका एरिया है, बिल्कुल रात का सन्नाटा है। तो ये बुलाएं मुझको दिन में वीडियो बनाने के लिए और घूमने के लिए, तो मैं जाऊंगा ऊँट का मजरा वगैरह जो जहाँ ऊँट पालते हैं, और इनके रेसिंग वाले ऊँट हैं, तो पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ऊँट रेसिंग करते हैं, कैसे उनके ऊपर रोबोट बांधते हैं। तो ये भाई मिले हैं और पूरा जो है ये डिटेल बताएंगे मुझको। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए।